हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग कैसे हैं आप सभी लोग कैसे चल रही है आप लोगों की ग्रुप डी की तैयारी जैसा बताया कि सत्रह अगस्त से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक जहाँ से ग्रुप डी में भी और सी बी वन में भी क्वेश्चन पूछे गए थे डाइस से और ये डाइस का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो कि आपके मैथ्स के पोर्शन में भी आता है कभी कभी ये रीजनिंग में भी दिखता है अलग क्वेश्चन टाइप के होते हैं वहाँ पे तो इनका क्या ट्रिक हो सकता है कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे जैसे प्रॉबिलिटी में आपके पास तीन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं एक क्वाइन का एक डाइस का और तीसरा होता है कार्ड पे इस बेस पे आते हैं कभी कभी बॉल वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं हरे नीले पीले वाले वो रेयर मिलते हैं वो लेकिन हाँ यही तीन चार टाइप का है जो

तो संख्याओं का योग जो होगा वो आठ आने की संभावना क्या होती है पहले तो थोड़ा सा समझते हैं पासा क्या होता है पासा डाइस क्या होती है डाइस जो है एक ऐसी आकृति होती है आपने देखा भी होगा आप खेले भी होंगे लूडो जो आप समझ रहे होंगे ना लूडो में जो आप जो होता है क्या बोलते हैं एक तरीके से आ, हाँ डाइस ही बोलते हैं उसको हम लोग पासा बोलते हैं उसमें एक से लेके छ तक नंबर होते हैं तो अगर उसमें संख्या अगर बोला जाए सिर्फ एक डाइस फेंका जाए तो हमारे पास छः पॉसिबिलिटी होती है आने की या तो एक या दो या तीन या चार या पांच या छः लेकिन जब दो डाइस फेंकेंगे

दो तो डाइस को फेंकने के बाद तो वो मिनिमम हमारे पास कितना आ सकता है दो और मैक्सिमम बारह ऐसे तीन डाइस फेंकते हैं तो मिनिमम सम तीन होता है मैक्सिमम हमारे पास क्या होता है अठारह होता है लेकिन तीन डाइस वाले बैंकिंग में ही मिलते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछे गए किसी भी तो इनके लिए छोटा सा इसमें क्या बोला गया कि दो पास एक साथ फेंकने पर संख्याओं के आठ आने के क्या संभावना तो आठ आने के कई सारे संभावना एक पे तीन आ जाए एक पे पांच आ जाए एक पे पांच आ जाए एक पे तीन आ जाए एक पे चार आ जाए दूसरे पे भी चार आ जाए एक पे छ आ जाए एक पे दो आ जाए ऐसे कई सारे संभावनाएं हो सकती हैं कि जिनको जो जोड़ने पे आठ आ जाए तो इसको ढूंढने में बहुत सारा मुश्किल होता है तो इसका एक छोटा सा ट्रिक जो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं ठीक है अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो अब आपका समय आ चुका है कि कैसे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के लगाएंगे बस एक छोटा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए उसके अलावा आप सभी के लिए कर सकते हैं ईजी से इजी जैसे यहाँ पे देखिएगा एक ट्रेंगल मैंने बनाया है इस तरीके से ट्रेंगल इस ट्रंगल में मैंने क्या लिखा है कि देखिए हमारे पास सम जो होगा ना जो ऊपर वाला ग्रीन कलर है ना ये सम है योग है ये हमारे पास क्या है योग है इधर भी और इधर भी भी और ये ऊपर वाला क्या है हमारे पास योग यानी जो सम बोलते हैं और नीचे वाला है संभावना कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी संभावना क्या है कितने बार आ सकता क्या पॉसिबिलिटी है तो अगर हम बोलें कि दो आने की संभावना तो एक बार तीन आने की संभावना तो दो बार चार आने की संभावना तो तीन बार पांच आने की संभावना चार बार छे की आने की संभावना तो आपको कैसे लिखना है इसको जैसे इसको कैसे याद कर सकते हैं बस ऐसे लिखना है एक दो तीन चार पांच छह तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे रिटर्न होंगे पांच चार तीन दो एक पे और इनका योग जो होगा शुरू कहां से होगा दो तक तो दो से ले जाएंगे ऐसे और तक आ सकते हैं मैक्सिमम क्योंकि देखिए मिनिमम हमको पता है कि दो आता है मैक्सिमम बार आता है तो पहले ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे वी सेव में कि अब ये हमारे पास चला गया एक से लेके तक छह तक जाएंगे और छे से लेके एक तक आ सकते हैं बस इतना ही संभावना बन सकती है और ये ऊपर वाला योग है जैसे अगर आपसे बोला कि आठ आने की संभावना कितनी है तो आठ हमारे पास यहां दिख रहा है तो कितनी संभावना होगी तो पांच तो पांच संभावनाएं तो लेकिन कितने में से क्या होता है कि जितनी संभावना होती है और उसके नीचे हम कुल संभावना लिखते हैं तो अगर हमारे पास दो डाइस कभी फेंका जाता है तो छह अगर है ना तो टोटल संभावना हमारे पास बनता है छत्तीस अगर एक डाइस फेंका जाता है तो छह अगर तीन डाइस फेंका जाता है तो छह का क्यूब दो सौ सोलह तो हमको देखिए हमको दो डाइस की बात हो रही है हम दो डाइस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल संभावना कितना होता है और कभी कभी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में देखा गया कि सिर्फ संभावना पूछता है कि अगर तीन डाइस को उछाला जाए तो टोटल कितने संभावना पॉसिबल है ठीक है तो कितने पॉसिबिलिटी है क्या क्या, -क्या चीज आ सकता है तो आप कितने पॉसिबिलिटी बचेंगे दो सौ सोलह ऐसा क्वेश्चन आता है दो तो अगर फेंके जाएंगे तो छत्तीस होंगे तो अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर सम हमको आठ चाहिए तो आंसर क्या होगा पांच और नीचे में कितना आ जाएगा छत्तीस आ जाएगा तो आंसर क्या होगा पांच बटा छत्तीस अगर बोलता सम हमको नौ आने की क्या संभावना तो आप क्या बोलते हैं चार बटा में छत्तीस यानी कट जाएगा एक बटा में नौ अगर बोला बारह आने की संभावना क्या होगी योग बारह आने की क्या संभावना है तो बोलेंगे एक बटा में छत्तीस बोला प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है तो प्राइम के लिए आप बोलेंगे देखिए ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना होगा एक प्लस दो तीन और तीन चार और कितना होगा सात इधर प्राइम है इधर भी सात भी प्राइम है तो सात और छह कितना हो जाएगा तेरह और कोई प्राइम नंबर है ये भी है तो तेरह और दो हमारे पास कितना हो जाएगा पंद्रह तो पंद्रह संभावना हमारे पास प्राइम नंबर के है क्योंकि प्राइम नंबर कौन कौन सा ये वाला है ये वाला है ये वाला है प्राइम नंबर आपको पता ही होगा अभाज्य संख्या है। तो इससे आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं अगर बोलता आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि क्या संभावना है कि दोनों डाइस जो नंबर है उनको जोड़ने में विषम संख्या है तो विषम क्या है तीन विषम है पांच विषम है सात विषम है नौ विषम है ग्यारह विषम है तो इन सभी को जोड़ लेंगे विषम आ जाएगा क्या बोलता है कि परफेक्ट क्यूब आने की क्या संभावना है परफेक्ट क्यूब मतलब देखिए ये है परफेक्ट क्यूब जोड़ने में परफेक्ट क्यूब क्या आठ क्या होता है परफेक्ट क्यूब है और क्या और कुछ है हमारे पास इसमें से कि जो परफेक्ट क्यूब बन सकता है तो नहीं बन सकता इसमें से ठीक है तो कितने संभावना है हमारे पास पांच संभावना है जिसपे हमारे पास क्या सकता है कि परफेक्ट क्यूब बन जाए अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ठीक है तो ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर बोलता तो नौ को ले लेते और चार को ले लेते हैं या जो जो नंबर हमारा बन सकता है वो चीज देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या संभावना है कि दो अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर आने की संभावना हो तो दो अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो ग्यारह होता है तो आप बोलेंगे दो बटा छत्तीस हो जाएगा कुछ भी बोल सकता है क्या संभावना है कि आ, सबसे छोटी प्राइम संख्या आ जाए दोनों का योग तो क्या होगा हमारे पास तो वो हमारे पास क्या आता है दो आता है तो कुछ भी बन सकता है ऐसा जो क्वेश्चन होगा वह आप क्वेश्चन देखिएगा इसके हिसाब से सारे क्वेश्चन लगा लेंगे अगर बोला कि आठ आने की संभावना तो कितना था पांच बटा कितना टाइम एक सेकेंड बस ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दूसरा जो वन में में आया था, में हुआ था था हुआ आपका, तो तो बोला था दो योग होने की क्या हो तो आने की क्या होगा? आने हमारे पास कितनी होती है? सिर्फ एक होता है जैसे यहाँ पे आप चेक कर एक ठीक है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? सिर्फ एक में 36 हो जाएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अगर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दो पासे एक साथ फेंके जाने पे प्राप्त संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता जितने प्राय भी समय वो अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे देखिए अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है कि देखिए एक अभाज्य संख्या ये ये भी अभाज्य संख्या ये भी अभाज्य संख्या ये भी अभाज्य संख्या और ये भी और तो कुछ है नहीं इसमें तो एक दो तीन तीन चार सात सात और छह हमारे पास तेरे और तेरह दो पंदरे। तो पंद्रह बटा में छत्तीस बनेगा तो हम तीन से पांच बार काट सकते हैं तीन से बारह बार तो पांच बटे बारह जो संभावना पड़ेगी पांच बटे बारह वो किसकी होगी अभाज्य संख्याओं के आने का जो योग होगा वो अभाज्य संख्या आने की पॉसिबिलिटी होती है तो ये बन गया तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जब दो डाइस फेंके जाए तो उनके योग के बारे में पूछता है ठीक है क्या बोलता है उनके योग के बारे में क्या क्या पॉसिबिलिटी है यही आता है मैक्सिमम उसमें कोई भी नाम दे सकता है योग आठ नौ दस जो भी पूछ ले या योग प्राइम नंबर पूछ ले या योग आपका परफेक्ट स्क्वायर पूछ ले मतलब जो नहीं आया मैं वो बता रहा हूँ कि और क्या क्या चीजें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है ठीक है अब बाकी अगर कभी जैसे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही था इसको मैंने ले लिया साथ में कि अगर दोनों पे समान अंक आने की क्या प्रयोग था समान अंक मतलब या दोनों पे एक आ सकता है दोनों पे दो दो सकता दोनों पे तीन तीन भी आ सकता है चार चार भी आ सकता है तो कितनी संभावना है छह होंगी और छे बटा में छत्तीस मतलब एक बटा में छे इसका आंसर हो जाएगा इसमें योग नहीं दिया था ये बस कॉमन था कि दोनों पे सेम सेम नंबर आ जाए तो वो नंबर हमारे पास क्या हो सकता है कि छः पॉसिबिलिटी है तो छः में हमारे पास क्या हो जाएगा छः बटा में छत्तीस और ये कितना हो जाएगा एक बटा में छः हो जाएगा तो अगर ये ट्रंगल अगर आपको पता चल जाए ट्रंगल बनाना बहुत आसान है छोटा सा कि बस अब एक बार ऐसे लिखना है एक से लेके छः तक और फिर छः से लेके एक तक वापस छ एक ही बार रहेगा ऊपर में सम कहां से चालू होगा दो से क्योंकि मिनिमम एक सम कभी नहीं आ सकता दो डाइस को फेंकेंगे तो दो आएगा मिनिमम और मैक्सिमम बारह आएगा तो दो से कहां तक आएंगे वापस बारह तक आएंगे बस इतना ही अगर याद है तो इस पर क्वेश्चन कर लेंगे और इस पर आने की संभावना इस बार भी क्वेश्चन है कि किसी ने किसी के सेट में आएगा बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, लेकिन ये चीज तैयार रहेंगे क्या पता आपका पहला फेज में ही एग्जाम में प्रॉबलिटी से क्वेश्चन दे दे, दे डाइस से बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या देंगे कार्ड और क्वाइन ठीक है कार्ड क्वाइन और इसके बाद अगर बॉल्स वाले क्वेश्चन भी अगर आएंगे तो उसके भी एक दो क्वेश्चन डालेंगे क्या कैसे निकालते हैं हम लोग तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी जिनको मैथ स्पेशल में पढ़ना था कि मैथ स्पेशल में जो मैं प्रॉबिलिटी पढ़ाता हूँ वो होती है लगभग कम से कम बारह घंटे की ठीक है तो बारह घंटे की जो प्रॉबिलिटी होती है और उसमें परमिटेशन कम्बिनेशन भी होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं अगर आप बहुत हाई लेवल तक जाना चाहते हैं तो वो सब कुछ उसमें देखेंगे और उसका डेमो भी आपके लिए पड़ा हुआ है यूट्यूब पे आप देख सकते हैं मेरे नाम से और दूसरा कि हम मैथ स्पेशल तेईस बैच एक चला रहे हैं जिसमें आपको चार घंटे का कोर्स मिलता है चार घंटे का हाँ चार सौ प्लस घंटे का तो सिर्फ बी ओ डी है इसके अंदर में ठीक है बी ओ डी है जिसमें लगभग ढाई सौ से घंटे ज़्यादा सिर्फ किसका एडवांस मैथ्स का इसके अलावा लाइव क्लासेस भी इसमें चलती है जो दो हज़ार बाईस तक के क्वेश्चन अभी आए हैं उन सभी को भी ऐड करके लाइव चलता है बाकी जो बी ओ डी वाला है वो एक पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है तो इस बैच को आप फ्यूचर टाइम्स के अप्लीकेशन पर ले सकते हैं बाकी जो ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं जो ग्रुप डी हैं तो ग्रुप डी वाले लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का फेज़ वन में एग्जाम नहीं है फेज टू में होगा या फेज थ्री में होगा वो लोग इस बी जो एक तरीके से बी है इसमें ग्रुप डी के लिए इसको अगर आप पढ़ लेते हैं ठीक है तो यहाँ से भी आपका काम हो जाता है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से कवर कर सकते हैं अंतिम प्रहार नाम से ही आपको मिलेगा बी ओ डी बैचेज में बाकी इसमें डिस्काउंट भी अभी चल रहे हैं फिफ्टी या फिफ्टी का रक्षा बंदर और पंद्रह अगस्त के उपलक्ष्य में तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के अप्लीकेशन पर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू